अब मैं कहूंगा, आप कहेंगे उस पर लानत है। क्या है? हसन पाक के लिए जहर तैयार करने वाले पर क्या? हसन पाक के लिए जहर तैयार करने वाले पर, हसन पाक के लिए जहर लेके आने वाले पर, हसन पाक के लिए जहर तैयार करवाने वाले पर, हसन पाक के लिए जहर घर में पहुंचाने वाले पर, हसन पाक को जहर देने वाले पर, हसन पाक के कत्ल होके कत्ल पर खुश होने वाले पर। अब आप फिक्र ना करें, ये लानत खुद ब खुद पहुंच जाएगी। हमें कोई नाम लेने की भी क्या जरूरत है? और आप देखना, आपने हालांकि नाम नहीं लिया, यजीदी फिर भी सट पटाएगा। वो कहेगा जी ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, हमने कोई नाम नहीं लिया, नाम वो खुद ले लेके बताएगा। उसको कहा है, उसको कहा है, उसको कहा है, पता चला कि शायद हमें तो ना पता हो कि वो कौन है, तुझे पता है तू छुपाता रहा। समझ आई? शायद हमें तो पता ना हो कि वो कौन है, इसलिए हमने नाम नहीं लिया, इसलिए हमने नाम नहीं लिया। शायद हमें पता ना हो कि वो कौन है, हमने नामालूम लानत उनके लिए इरसाल कर दी। नामालूम लानत उनके लिए क्या कर दी? इरसाल कर दी उनके लिए। लेकिन तू बोल उठा, फलां को कहा, फुलां को कहा, पता चला कि तुझे पता है। तो जब तुझे पता है तो तू छुपाए बैठा है, अगर तू छुपाए बैठा है तो तुझ पे भी लानत। इसलिए हमारे गिरामी, तो ये है, तो ये आज का पैगाम है मौला हसन अलैहिस्सलाम की शहादत की इस महफिल में, इस बज़्म में, इस मजलिस में। बात सारी समझ आ गई है? हाँ। तो इसलिए भाई हम नाम नहीं लेते, शायद इसलिए कि हमें पता ना हो। लेकिन सुनिए, जब अगर किसी का नाम आ जाए, यकीन जान जाना वही कातिल हसन है, वही कातिल है मेरे रसूल के बेटे का। इसलिए हबाबे गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझ जाने की तौफीक अता फरमाए, और गुलाम अहले बैत इतहार रसूल का बेटा कत्ल हुआ, दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें इन हकाइक को समझ लेने की तौफीक अता फरमाए।